हमीरपुर जिला में 11वें जनमंच कार्यक्रम को 16 जून को भोरंज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झरलोग में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम राज्य की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लद्रौर के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 10 पंचायतों के बाशिंदों की शिकायतों को सुना जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से प्री जन मंच गतिविधियों को चलाया जा रहा है। इस संबंध में उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में बैठक आयोजन किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे क्लस्टर बनाकर उपरोक्त सभी पंचायतों में अपने अपने विभाग से संबंधित चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें तथा लोगों की समस्याओं का मौके पर निवारण करें। उन्होंने कहा कि SDM दो दो पंचायतों का क्लस्टर बनाकर जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करना सुनिश्चित करें। IPH विभाग उपरोक्त पंचायतों में लोगों की पेयजल समस्याओं का शीघ्र समाधान करे तथा लोगों को पेयजल का सदुपयोग करने के साथ साथ अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करवाए। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विभाग अधिक से अधिक किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए तथा किसानों को इसके फायदों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दे। वहीं ग्रामीण विकास राजस्व विभाग भी उपरोक्त पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करे तथा अपने अपने विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, AC2DC सुनैना शर्मा, SDM भोरंज राहुल चौहान के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सोलन जिला के शामरोड पंचायत के कुछ युवाओं ने सोलन राजगढ़ मार्ग पर दर्जा के समीप लोगों को गर्मी से निजात दिलवाने के लिए ठंडे पानी की छवि लगाई, जिसमें युवाओं के साथ साथ नन्हे बच्चों ने भी लोगों को ठंडा पानी पिलाने में अपनी खूब भूमिका अदा की। वहीं यहां से गुजरने वाले पर्यटकों व राज्य के बाहर से आए हुए पर्यटकों ने इन युवाओं को खूब सराहा। छवि लगाने वाले युवाओं ने कहा कि जहां ऐसी गर्मी में लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में सभी युवाओं ने सुबह से ही यहां से गुजरने वाले हर राहगीर के लिए ठंडे व मीठे पानी की छवि लगाई और इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भी उनका साथ दिया है, जो कि एक नेक कार्य है। वहीं यहां से गुजर रहे पर्यटकों का कहना है कि हिमाचल सच में ही देवभूमि है और यहां के लोग अच्छे हैं। जो युवाओं ने गर्मी के इस मौसम में ठंडे पानी की छवि लगाई है, इससे यहां से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों व पर्यटकों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। सोलन के बसाल में कई दिनों से जंगल में आग लगी है, लेकिन आज ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। एक घर पूरी तरह आग में घिर गया था। घर के भीतर एक अकेली महिला थी। लोग घर के बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में एक दिलेर व्यक्ति विवेक ने घर तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ ही दूरी तक जा सका और सांस घुटने से वो भी बेहोश हो गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ उस व्यक्ति को बाहर निकाला। इतने में घर के अंदर धुआं बढ़ता जा रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो चला था। इसलिए महिला ने खुद हिम्मत जुटाकर अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर निकली और जान बचाती हुई वे आग को लांघते हुए सड़क पर आ गई। इस दौरान महिला करीब 20% तक झुलस गई है। दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई जा चुकी थी। रोष व्यक्त करते हुए महिला ने बताया कि दमकल विभाग 2 घंटे देरी से पहुंचा, तब तक आग अपना तांडव दिखा चुकी थी और वे आग से बुरी तरह झुलस चुकी थी। उन्होंने मांग की कि जो भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी नौबतें ना आए। वहीं गांव के अन्य लोगों ने कहा कि उनके घर में शादी थी और इसलिए खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट कर रखी थी। वे भी जलकर
राख हो गई और उनके पशुओं का चारा भी जल गया, साथ ही उनके बगीचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दमकल विभाग पर आरोप लगाया कि अगर वे समय पर आते तो इस आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था। वहीं युवक विवेक शर्मा ने बताया कि दमकल विभाग बेहद देरी से पहुंचा और जब उसने देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विभाग के पास उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जंगल में आग लगी लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब तक जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में नहीं ला जाती है तब तक जंगलों में इसी तरह आग लगती रहेगी।